वाई इट हैपन्स इज बिकॉज जो हमारा प्रोम्ट आता है कि नहीं ये वर्ड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये वर्ड में नहीं बोल पाऊँगा वैसा जो थाट आता है वो वर्ड बोलने से पहले ही जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं तब वो थाट ही नहीं आता है तब वो प्रोम्ट ही नहीं आता है इसीलिए स्टैमरिंग की ओर में मेडिटेशन एंड योगा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इट मे नॉट बी डिरेक्टली कनेक्टेड विद द स्टैमरिंग बट इनडायरेक्टली इट इज सो मच कनेक्टेड विथ द माइंड एंड बॉडी एंड मसल मोमेंट्स एंड योगा एंड मेडिटेशन हमें और ज़्यादा अवेयरनेस में लाते हैं जब भी, भी हम योगा करते हैं द बेस्ट वे टू डू योगा इज टू बी टोटली प्रजेंट इन योर बॉडी जस्ट ऑब्जर्विंग दैट वॉट इज़ हैपनिंग इन द बॉडी जस्ट ऑब्जर्विंग दैट मैं योगा कर रही हूँ तो कहाँ पर स्ट्रेस फील हो रहा है कहाँ पर स्ट्रेच फील हो रहा है कौन सी मसल पर ज़्यादा वेट आ रहा है इन सो एंड सो फोथ तो जब भी, भी आप योगा करते हो आप फुल्ली प्रजेंट मोमेंट में होते हो तो आप फ्यूचर का नहीं सोचते आप पास्ट का भी नहीं सोचते आप टोटली totally प्रजेंट में होते हो एंड द अनदर वर्ड फॉर दिस इज़ ऑल्सो माइंडफुलनेस सो माई फ्रेंड्स अगर हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें एंड योगाना करें एंड प्राणायाम करें जो हमें रिलैक्स होने में और ज़्यादा हेल्प करें सो माई फ्रेंड्स आपका जो स्टैमरिंग है आपकी जो स्टैटरिंग है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है सो माई फ्रेंड्स योगा प्राणायाम एंड मेडिटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टैमरिंग सल्यूशन सो माई फ्रेंड्स बेस्ट योगा एंड प्राणायामा जो आपको स्टैमरिंग से फ्री होने में हेल्प करेगा दोज आर फोर प्राणायाम एंड योगा एंड क्रिया ओके सो आज हम ये चार प्राणायाम योगा एंड क्रिया क्या है उसके बारे में देखने वाले हैं सो so, जब भी, भी मैंने योगा स्टार्ट किया तब भी आफ्टर टू थ्री वीक्स आई रियलाइज़ दैट मेरा स्टैमरिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगा है इट्स मेनली बिकॉज ऑफ द योगा यू नो मेरा जो माइंड एंड जो मसल मूवमेंट है उसका कोऑर्डिनेशन होना स्टार्ट हो गया मेरे जो प्रॉम्स है कि नहीं मैं ये वर्ड में अटकूंगी वो आने बंद हो गए एंड अल्टीमेटली मेरी और ज़्यादा फ्लुएंसी बढ़ने लगी सो माई फ्रेंड्स योगा इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर माइंड इज़ द बेस्ट वे टू ट्रेन योर माइंड टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट सो मुझे जो जो योगा एंड प्राणायाम क्रिया है उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है वो मैं आपको बताने वाली हूँ सो दो हज़ार फोर प्राणायाम एंड क्रिया जो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करे है फर्स्ट वन इज़ सिंहासना सेकेंड वन इज़ अनुलोम विलोम देन ब्राह्मरी प्राणायाम एंड ओंकार चैनटिंग ओके okay? जब भी मैं ओंकार चैनटिंग बोलती हूँ तो लोगों को ये लगता है कि मैं हिंदू रिलीजन के बारे में बोल रही हूँ बट माई फ्रेंड्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन इट इज़ ओंकार इज जस्ट अ साउंड ओके okay? ये एक साउंड है और हर एक साउंड की एक वेवलेंथ होती है एक फ्रीक्वेंसी होती है सो इट इज़ अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट दैट ये जो ओमकार का साउंड है उसकी जो वेवलेंथ है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है ओके okay, तो जब भी भी हम लोग वो चैंट करते हैं ओमकार तब भी हमारे अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा आती है हमारे अंदर भी एक पॉजिटिविटी आती है ओके सो इसीलिए हम प्राणायाम एंड योगा एंड क्रिया करते हैं सो लेट सी के हाउ आई एम प्रैक्टिकली डूइंग योगा एंड प्राणायाम योगा आप सुखासन या तो फिर वज्रासन में भी कर सकते हो वज्रासन में पैर पीछे डाल के आपको ऐसे बैठना होता है नाउ लेट सी के सिंहासन मैं कैसे करती हूँ सिंहासन के बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन है लेकिन जो सिंहासन मैंने किया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ ये वीडियो में सिंहासन के लिए सबसे पहले तो आपको उंगलियों को स्ट्रेच करना है और अपने नी के ऊपर रखना है स्लोली टेक योर टंग आउट एंड चिन लॉक करके अपनी दृष्टि को दोनों आइब्रो के बीच में टिकानी है एंड यू हैव टू मेंटेन दिस पोज़ फॉर एटलीस्ट सेवन ब्रेथ्स आपको ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना है वाइल इन पोज जस्ट फोकस ऑन द ब्रीदिंग जब भी, भी आपके साथ ब्रेथ कंप्लीट हो जाए तब आप चिन लॉक को हटा दीजिए एंड रिलैक्स योर सेल्फ नाव लेट सी कि मैं मेडिटेशन कैसे करती हूँ ये मेडिटेशन है माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो मैं हर रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है इससे जो मेरे थॉट्स है वो बहुत ज़्यादा अरेंज एंड कंट्रोल हो गए हैं और मेरा ओवर थिंकिंग भी बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है मैं मेडिटेशन के लिए पद्म मुद्रा में बैठती हूँ आप पद्म मुद्रा राइट हैंड अबाव द लेफ्ट हैंड ऐसे बैठ सकते हो एंड जस्ट क्लोज योर आइज and focus your entire attention on your breathing. अगर आपको बीच बीच में thoughts आते हैं तो आपको thoughts के ऊपर अंदर नहीं जाना है just let it pass. And focus your attention on the breathing. अगर आपका ध्यान कहीं और जाता है तो भी आपको फिर से without getting irritated, Without getting frustrated, just take your attention back to your breathing. And आपको ये meditation 5 से 10 minute करना है अगर आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम योगा एंड मेडिटेशन करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा मेडिटेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपने दोनों हाथों को रब कर सकते हो

And hold your breath by closing both the nostrils. Open the right nostril and exhale from the right nostril. Inhale from the right nostril itself. Hold your breath by closing both the nostrils. And open the left and exhale from the left nostril.

कि मैं भ्रामरी कैसे करती हूँ भ्रामरी के भी बहुत सारे वेरिएशन है लेकिन मैं ज्ञान मुद्रा में भ्रामरी करती हूँ ज्ञान मुद्रा में आँखों को बंद करना है एंड इनहेल डीपली एंड क्रिएट द हमिंग साउंड भ्रामणी हो जाने के बाद मैं ओमकार चैनटिंग इमीडिएटली स्टार्ट कर लेती हूँ ओमकार चैनटिंग के लिए आपको इन्हेल करना है एंड आपको ओमकार का उच्चारण करना है लाइक दिस आप ओमकार चांटिंग इन भ्रामरी पाँच पाँच बार कर सकते हो एंड जब भी, भी आप ओमकार चांटिंग इन ब्रामरी करते हो तब फील द वाइब्रेशन इन योर बॉडी एंड यू कैन रब योर हैंड एंड पुट इट ऑन योर आईज एंड फेस इट विल गिव यू अ वम फीलिंग सो माई फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड विथ मी आई एम ऑल्सो अरेंजिंग अ फ्री वेबिनार on stammering cure so if you want to attend that webinar do register in the link given below you will get all the details in your email id okay so if you want to attend this webinar do register in the link given in the description box below so my friends if you have any other question with respect to stammering or with respect to yoga and pranayama do let me know in the comment box I'll be happy to answer all your questions and queries. Thank you so much.